ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी करेगी पूछताछ। बड़ी अपडेट, ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है, इसके ऊपर सत्याग्रह है। प्रदर्शन भी करते हुए कांग्रेसी नजर आए थे, जहां देश भर में आपको बता दें विरोध प्रदर्शन करेगी पार्टी। पुलिस की कांग्रेस मुख्यालय पर पैनी नजर। और सही आपको यह बता दें, इससे पहले राहुल गांधी के साथ ईडी पूछताछ कर चुकी है कई घंटों तक, कहीं 8 घंटे तो कहीं 10 घंटे राहुल गांधी से इससे पहले कई बार पूछताछ कर चुके हैं नेशनल हलाल मामले के अंदर, जहां आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। तो काफी अहम दिन है, और इसी कड़ी में अगर आपको बता दें तो कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा, जहां संसद परिसर के अंदर कल कांग्रेस महंगाई पर प्रदर्शन कर रहा था, तो आज वह सोनिया गांधी के लिए आला कमान के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की कार्यवाही से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है, देश भर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। इससे पहले की अगर आपको तस्वीरें याद हो, जब राहुल गांधी से पूछताछ करते हुए आई थी ईडी, तो प्रदर्शन करने की इजाजत ना मिलते हुए भी ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था। और वहीं अगर सत्ता पार्टी बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई थी कि ईडी के ऊपर, चाहे बात हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की करें या फिर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की करें, तो ये वे लगभग कहते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस लगातार जब ईडी पूछताछ करती है, तो ईडी से पूछताछ करते हुए कांग्रेस पुलिस और कांग्रेस मुख्यालय पर पैनी नजर जो है वो रहेगी। अगर पुलिस की तरफ से बात करें, तो पुलिस लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करते हुए नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, ईडी से पूछताछ के साथ साथ पुलिस जो है उनकी तरफ से भी पुलिस से कांग्रेस मुख्यालय पर पैनी नजर रहेगी। और साथ ही आपको यह भी बताते चले, आज अहम दिन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ जो है वे करी गई है। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है।